पहला क्वेश्चन है, विच सेट ऑफ एलिमेंट बिकम टॉक्सिक व्हेन देयर कंसेंट्रेशन एक्सीड्स 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर इन प्लांट्स। तो इसमें हमको देखना है कि कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट के सेट हैं। पहला दे रखा है कार्बन, मैग्नीशियम और सल्फर, तो ये आते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट में। नेक्स्ट है सल्फर, मैग्नीशियम, आयरन, तो इसमें आयरन तो है माइक्रोन्यूट्रिएंट और जो सल्फर और मैग्नीशियम है ये आते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट में। नेक्स्ट है थर्ड ऑप्शन बोरॉन, जिंक एंड कॉपर, ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। और जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें मैंगनीज तो है माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैग्नीशियम और कैल्शियम है मैक्रोन्यूट्रिएंट, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, तो इसमें हमको ये बताना है कि कौन से एलिमेंट से कौन सा डेफिशिएंसी सिम्टम देखा जाता है। तो जिंक से होगा लिटिल लीफ, मैंगनीज से ग्रे स्पॉट्स इन ओट्स, सल्फर से होता है अक्यूमुलेशन ऑफ एंथोसियानिन एंड पोटेशियम से प्लास्टिड डिसइंटीग्रेशन। तो देखिए ए का है फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट, तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम नाइट्रोजिनेस बाय ऑक्सीजन पॉइजनिंग ड्यूरिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, सो इट इज लेग्यूमिनस, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हेल्प इन फोटोलिसिस ऑफ वाटर एंड टू मेंटेन एनायन कैटायन बैलेंस इन सेल्स, सो इट इज क्लोरीन। अगर यहाँ पर जो एंड के बाद जो टर्म दे रखा है टू मेंटेन एनायन एंड कैटायन बैलेंस इन सेल, अगर ये नहीं दे रखा होता तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर में मैंगनीज और क्लोरीन ये दोनों काम आते हैं, तो इसमें हम मैंगनीज के बारे में भी सोच सकते थे, लेकिन इसने बता दिया है कि जो कैटायन एनायन बैलेंस है उसको भी मेंटेन करता है, तो इसमें हम क्लोरीन को प्रेफरेंस देंगे, आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ नॉन मिनरल एसेंशियल एलिमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू मैंगनीज टॉक्सिसिटी, पहला ऑप्शन है प्रिवेंशन ऑफ बाइंडिंग ऑफ मैग्नीशियम विद एंजाइम, ये सही है। अगला है प्रमोशन ऑफ कैल्शियम ट्रांसलोकेशन टू शूट अपेक्स, तो प्रोमोशन नहीं होता है, यहाँ पर इनहिबिशन आना चाहिए था, इनहिबिशन ऑफ कैल्शियम ट्रांसलोकेशन टू शूट अपेक्स, तब ये सही होता, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। नेक्स्ट है नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया सच एज नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर आर, सो ये कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं, केमिकल से अपना खाना बनाते हैं ये, इसमें कोई भी लाइट का रोल प्ले नहीं होता, आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट है नाइट्रेट एसिमिलेशन इज, तो नाइट्रेट का अमोनिया में कन्वर्जन होना इसको बोलते हैं हम नाइट्रेट एसिमिलेशन, और ये होता है रिडक्शन प्रोसेस, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। अब देखिए जो NO3 नेगेटिव है ये होता है नाइट्रेट और NO2 नेगेटिव है इसको हम बोलते हैं नाइट्राइट, तो इसका आंसर है सेकंड। नेक्स्ट है मॉलिब्डेनम इज कॉम्पोनेंट ऑफ, सो इट इज़ नाइट्रेट रिडक्टेज। नेक्स्ट है अपटेक ऑफ नाइट्रोजन बाय प्लांट्स अकर इन ऑल ऑफ द गिवन फॉर्म एक्सेप्ट, सो जो नाइट्रेट है अमोनियम के फॉर्म में और जो नाइट्राइट है इनके फॉर्म में नाइट्रोजन का अपटेक होता है, और जो N2O है ये नहीं होगा, तो आंसर होगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट है सल्फर इज़ नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ, तो सिस्टीन एक अमाइनो एसिड है उसमें सल्फर प्रेजेंट होता है, बायोटिन और कोएंजाइम ए इनमें सल्फर का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन डीऑक्सी एडिनोसिन में सल्फर का कोई रोल नहीं होता, यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ गिवन स्टेटमेंट, फर्स्ट है इट्स डेफिशिएंसी अपीयर फर्स्ट इन यंग लीव्स, नेक्स्ट है इट इज़ रिक्वायर्ड इन फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, सो इट इज़ कैल्शियम। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ आयन इनटू सिम्प्लास्ट एरिया ऑफ अ प्लांट सेल, सो इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस, इज मेटाबॉलिक फेज ऑफ
मिनरल एब्जॉर्प्शन। तो फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ, दैट इज बोथ वन एंड टू। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला दे रखा है एस्पार्जिन कंटेन मोर नाइट्रोजन देन एस्पार्टिक एसिड, सो इट इज़ करेक्ट। एंड जो बी स्टेटमेंट है, अमाइड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड इन विच हाइड्रोक्सिल पार्ट ऑफ एसिड इज रिप्लेस्ड बाई अनदर अमाइनो ग्रुप, तो ये भी सही है, ए और बी दोनों सही है इसमें, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड, दैट इज बोथ ए एंड बी आर ट्रू। नेक्स्ट है, मार्क द ऑड स्टेटमेंट फॉर यूराइड्स। पहला दे रखा है ट्रांसपोर्टेड वाया वेसल्स, नेक्स्ट हैव लो नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो, तो ये हाई होना चाहिए, लो की जगह हाई आता है इसमें, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेनिफिट ऑफ हाइड्रोपोनिक्स। तो पहला दे रखा है कंट्रोल सॉइल बॉर्न पैथोजन, कैन रेगुलेट पीएच ऑफ अ स्पेसिफिक क्रॉप, कैन बी यूज्ड इन एरिया हैविंग थिन इनफर्टाइल एंड ड्राई सॉइल, तो ये तीनों सही है। और जो फोर्थ है, हाई कॉस्ट ऑफ सेटिंग, सो इट इज़ नॉट अ बेनिफिट, तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट है, डेफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ ऑफ लीफ टिश्यू, सो इसमें होता है कुक का मैजिक, कॉपर कैल्शियम मैग्नीशियम और पोटेशियम, मॉलिब्डेनम का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, तो आंसर होगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है, एलिमेंट्स फाउंड इन पैराडॉक्सिन आर, सो इसमें आयरन और सल्फर प्रेजेंट होते हैं, आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है, एक इक्वेशन गिवन है, कंप्लीट द अबव कन्वर्जन विद सुटेबल ऑप्शन फॉर ए बी सी एंड डी, तो ए होगा अल्फा कीटोग्लुटारिक एसिड और बी है एन ए डी पी एच, सी क्या होगा एक एंजाइम ग्लूटामेट बन रहा है तो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इन्वॉल्व होगा इसके अंदर, और डी क्या होगा एन ए डी पी एच एन ए डी पी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो डी होगा एन ए डी पी, तो ए हो गया अल्फा कीटोग्लुटारिक एसिड, बी एन ए डी पी एच, सी ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज और डी हो गया एन ए डी पी, तो आंसर होगा इसका थर्ड। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क ट्रू एंड फॉल्स। पहला है प्लांट कैन एसिमिलेट अमोनियम आयन ओनली, तो फर्स्ट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, राइजोबियम इज एन ऑब्लिगेट एनएरोब, एनएरोब की जगह यहाँ पर एरोब आना चाहिए था, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन लेग्यूम नोड्यूल इज फॉर्म्ड बाय इनर कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकल सेल्स, तो ये सही है, ए और बी फॉल्स होंगे और सी ट्रू, तो आंसर इसका सेकेंड। नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक्स, सो इट इज़ अ टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल, तो आंसर होगा इसका सेकेंड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट ट्रेस एलिमेंट, तो इसमें हमको बताना है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उनके नाम, तो कैल्शियम मैग्नीशियम में ये हो गए मैक्रो न्यूट्रिएंट, फॉस्फरस और पोटेशियम ये भी मैक्रो न्यूट्रिएंट में आएंगे, थर्ड दे रखा है आयरन और मैग्नीशियम, तो इसमें आयरन तो है माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैग्नीशियम होगा मैक्रो, और फोर्थ गिवन है मैंगनीज और मॉलिब्डेनम, ये दोनों माइक्रो न्यूट्रिएंट है, आंसर होगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट मैच, एलिमेंट बता रखा है और उसका एक्टिवेटर, तो मैग्नीशियम का पेप्टाइड होता है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू मैक्रो न्यूट्रिएंट, तो पोटेशियम कैल्शियम और फॉस्फरस, ये तो है मैक्रो न्यूट्रिएंट और मैंगनीज है माइक्रो, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द क्राइटेरिया फॉर असेंशियलिटी ऑफ अ मिनरल एलिमेंट। पहला दे रखा है द एलिमेंट मस्ट नॉट बी एब्सोल्यूटली नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लेकिन जो एलिमेंट ज़रूरी होते हैं प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उनको ही असेंशियल एलिमेंट बोला जाता है, तो ये गलत हो जाएगा जो दे रखा है हमको इसमें, तो आंसर होगा इसका फर्स्ट। और जो सेकेंड थर्ड और फोर्थ में गिवन है, दैट इज़ एलिमेंट शुड नॉट बी रिप्लेसेबल, ये क्राइटेरिया है असेंशियलिटी का, एलिमेंट शुड बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म, ये भी है, और जो फोर्थ गिवन है, इन द एब्सेंस ऑफ एलिमेंट द प्लांट डज नॉट कम्प्लीट इट्स लाइफ साइकिल और
सेट सीड्स, तो ये भी असेंशियलिटी का एक क्राइटेरिया है। तो आंसर इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है फर्स्ट फेज ऑफ मिनरल अपटेक ड्यूरिंग इन फ्लक्स इन्वॉल्व एपोप्लास्ट, ओके दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट है अकर्स थ्रू आयन चैनल, ये भी सही है, एंड इट इज़ अ रैपिड प्रोसेस, तो ये तीनों सही है इसमें। तो आंसर होगा इसका फोर्थ, दैट इज़ ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट है द सेकेंड फेज ऑफ मिनरल आयन मूवमेंट ड्यूरिंग इन फ्लक्स इज, सो इट इज़ सिम्प्लास्ट एंड एक्टिव। और पहला फेज कैसा होता है, एपोप्लास्ट और रैपिड होता है, मतलब जल्दी होता है, और आयन चैनल्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, मतलब कि वो पैसिव है, लेकिन सेकेंड में सिम्प्लास्ट और एक्टिव। तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट है बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैंगनीज इज, सो इट इज़ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मैंगनीज टॉक्सिसिटी। पहला दे रखा है मैंगनीज टॉक्सिसिटी इन प्लांट डिक्रीजेज फ्रेश वेट ऑफ प्लांट बाय 10%, तो फ्रेश वेट को डिक्रीज नहीं करता, ड्राई वेट को डिक्रीज करता है। तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। और जो सेकंड गिवन है मैंगनीज कम्पीट्स विद आयरन एंड मैग्नीशियम फॉर अपटेक, ये सही है। थर्ड दे रखा है मैंगनीज कम्पीट विद मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग विद एंजाइम, ये भी सही है। और फोर्थ ऑप्शन में गिवन है मैंगनीज इनहिबिट कैल्शियम ट्रांसलोकेशन टू शूट अपेक्स, ये भी सही है। तो आंसर होगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है द कंसंट्रेशन ऑफ असेंशियल एलिमेंट बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड इज टर्म्ड एज, सो इट इज़ क्रिटिकल कंसंट्रेशन। अगर उस जो भी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से अगर थोड़ा सा भी जो असेंशियल एलिमेंट है उसकी क्वांटिटी कम हुई तो जो डेफिशिएंसी है वो दिखाने लग जाएगा प्लांट, और प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। तो आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द प्रोसेस लेबल्ड एज ए बी सी, तो ए देखिए कहाँ पर है, NO3 नेगेटिव से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, तो इसको बोलते हैं हम डी नाइट्रिफिकेशन। बी गिवन है यहाँ पर ही नाइट्रिफिकेशन हो रहा है, और सी मतलब अमोनिया बन रहा है, मतलब अमोनिफिकेशन। तो ए है डी नाइट्रिफिकेशन, बी है नाइट्रिफिकेशन, और सी अमोनिफिकेशन। तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। नेक्स्ट है द एंजाइम एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट एंड केपेबल ऑफ नाइट्रोजन रिडक्शन इज, तो ये होता है नाइट्रोजिनेज, आंसर नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है हाउ मेनी ATP आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ 10 NH3 मॉलिक्यूल इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो दो अमोनिया मॉलिक्यूल के लिए 16 ATP यूज़ होगा, तो एक के लिए हो गया 8 ATP, और पूछा गया है इसमें 10 NH3 मॉलिक्यूल के लिए, तो टोटल ATP रिक्वायर होंगे 8। आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड कैन गिव राइज टू अदर अमाइनो एसिड्स बाय ट्रांस अमाइनेशन, सो इट इज़ ग्लूटामिक एसिड। नेक्स्ट है द पिंक कलर्ड पिगमेंट प्रोड्यूस्ड इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, सो इट इज ऑक्सीजन स्कैवेंजर, और ये नाइट्रोजिनेज को प्रोटेक्ट करता है। तो आंसर होगा फर्स्ट एंड थर्ड, दैट इज बोथ 1 and 3, करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मैच एलिमेंट बता रखा है और उसका एब्जॉर्ब्ड फॉर्म, कौन से फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होता है प्लांट से। पहले दे रखा है फॉस्फरस, तो ये होगा H2PO4 नेगेटिव और HPO42 नेगेटिव के फॉर्म में, बट यहाँ पर दे रखा है HPO4 नेगेटिव के फॉर्म में, तो ये गलत है। नेक्स्ट है बोरॉन, सो बोरॉन का एब्जॉर्ब्ड फॉर्म सही है, दैट इज़ BO3 नेगेटिव। एंड नेक्स्ट इज़ मॉलिब्डेनम, ये होता है MO2 पॉजिटिव के फॉर्म में, और सल्फर होता है SO4 नेगेटिव के फॉर्म में, तो करेक्ट ऑप्शन है इसका सेकंड। नेक्स्ट है द एलिमेंट विच इज़ अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल एंड एलिमेंट इन्वॉल्व्ड इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, तो जो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर होता है तो उसके अंदर तो मैग्नीशियम रिक्वायर होगा, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए पोटेशियम। तो आंसर होगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू मिनरल एलिमेंट जिंक,
पहला दे रखा है इट एक्टिवेट एंजाइम कार्बोक्सिलेज। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, तो ये गलत है। नेक्स्ट है कॉजेज लिटिल लीफ डिजीज इन प्लांट। नेक्स्ट है नीडेड इन द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, ये भी सही है। तो जो सेकंड है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, इसमें जिंक का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट है रिडक्टिव अमाइनेशन डज नॉट रिक्वायर, तो इसमें अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड NADPH और NH4 पॉजिटिव आयन इनकी ज़रूरत होती है, लेकिन जो ट्रांस अमाइनेज है दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, तो आंसर होगा इसका थर्ड। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट मैच, पहला दे रखा है नाइट्रोजिनेज सो इट इज़ सेंसिटिव टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, तो आंसर होगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन और 8 ही प्रोटॉन्स की ज़रूरत होती है, आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट है द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय राइजोबियम इन रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूम्स इज, सो इट इज अमोनिया। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन अमाइड इन प्लांट आर, सो ग्लूटामीन और एस्पारजीन, ये दो कॉमन अमाइड्स होते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड। नेक्स्ट है फाइंड आउट करेक्ट मैच, पहला दे रखा है नेक्रोसिस, तो इसके अंदर होता है कुक का मैजिक, ऐसे आपने ट्रिक याद करी थी ना, उसी से देखिए, जो सोडियम है उससे नेक्रोसिस कॉज नहीं होगी, तो ये गलत है। नेक्स्ट दे रखा है क्लोरोसिस, क्लोरोसिस में जिंक मॉलिब्डेनम और मैग्नीशियम इन तीनों की वजह से होता है, तो आंसर होगा इसका सेकंड। नेक्स्ट है राइजोबियम इन रूट नोड्यूल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, दैट इज़ बिकम एन एरोबिक। नेक्स्ट है अमोनिया इज़ ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्राइट बाय, तो नाइट्रोसोमोनास जो होते हैं उससे ये प्रोसेस होगा, तो आंसर इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है एलिमेंट दैट हैज़ इट्स रोल इन एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम नाइट्रोजिनेज, सो इट इज़ मॉलिब्डेनम। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ असेंशियल एलिमेंट्स, पहला दे रखा है वेरी फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, ये सही है। नेक्स्ट डिपेंड ऑन मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स ऑल्सो, और नेक्स्ट ऑप्शन में दे रखा है डिसअपियर व्हेन द डेफिशिएंट मिनरल न्यूट्रिएंट इज़ प्रोवाइडेड टू द प्लांट, तो ये तीनों सही स्टेटमेंट है, तो आंसर होगा इसका फोर्थ, दैट इज ऑल ABC and D। नेक्स्ट है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, पहला है एट फिजियोलॉजिकल pH अमोनिया इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म NH4 पॉजिटिव, ये सही है। नेक्स्ट है NH4 पॉजिटिव आयन इज क्वाइट टॉक्सिक टू द प्लांट्स हेंस कैनॉट अक्यूमुलेट इन प्लांट टिश्यूज, ये भी सही है। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द प्लांट कैनॉट एसिमुलेट अमोनियम आयन्स, तो आंसर है इसका थर्ड। नेक्स्ट है द डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ द इमोबाइल एलिमेंट टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन द यंग टिश्यूज, सेलेक्ट दैट एलिमेंट, तो कैल्शियम इमोबाइल एलिमेंट की कैटेगरी में आएगा, तो आंसर है इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया रिड्यूस नाइट्रेट इन सॉइल इनटू नाइट्रोजन, तो ये थायोबैसिलस से होगा। नेक्स्ट है थायोबैसिलस इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हेल्पफुल इन कैरिंग आउट, सो इट इज़ अ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, और ये नाइट्रिफिकेशन को प्रोसीड करेगा, तो आंसर होगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज आयरन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट, तो ये फेरिक फॉर्म में एब्जॉर्ब होंगे, आंसर इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग टर्गर इन सेल्स, सो इट इज पोटेशियम आयन। नेक्स्ट है विच इज असेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट टिप, तो कैल्शियम की ज़रूरत होती है रूट टिप की ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल थ्री आर मैक्रोन्यूट्रिएंट, तो नाइट्रोजन सल्फर और फॉस्फरस, ये तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट है, आंसर होगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है ड्यूरिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इनएक्टिवेशन ऑफ नाइट्रोजिनेज बाय ऑक्सीजन पॉइजनिंग इज प्रिवेंटेड बाय, सो इट इज लेग हीमोग्लोबिन, आंसर इसका सेकेंड। नेक्स्ट है मिनरल्स नोन टू बी रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट इंक्लूड, तो इसमें आपको देखना है मैक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी में कौन कौन से आएंगे, तो पहला दे रखा है मैग्नीशियम सल्फर जिंक आयरन, तो इसमें
जो आयरन है और जिंक है ये तो है माइक्रोन्यूट्रिएंट के कैटेगरी के। नेक्स्ट है फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर एंड कैल्शियम, तो ये सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट में आएंगे, तो आंसर होगा इसका सेकंड। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन एंड पोटेशियम आर विजिबल फर्स्ट इन, तो ये सेनेसेंट लीव्स में देखे जाएंगे क्योंकि ये दोनों मोबाइल एलिमेंट्स है इसलिए। नेक्स्ट है द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट इज, सो जो पहला प्रोडक्ट होता है उसका नाम है अमोनिया, आंसर है इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट, पहला दे रखा है फॉस्फरस इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन सर्टेन न्यूक्लिक एसिड एंड ऑल द प्रोटीन्स, तो फॉस्फरस प्रोटीन्स मतलब प्रोटीन क्या हो गए, प्रोटीन किससे बनेंगे अमाइनो एसिड, तो उसके अंदर फॉस्फरस बहुत ही कम होते हैं, मतलब एक आधी ऐसी प्रोटीन है मतलब अमाइनो एसिड है जिसके अंदर फॉस्फोरस प्रेजेंट है। नेक्स्ट है नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर आर कीमो ऑटोट्रॉफ्स, तो ये सही है क्योंकि केमिकल रिएक्शन से ये अपना खाना बनाएंगे, इसमें लाइट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो सही है। अगला है एनाबिना एंड नॉस्ट्रॉक आर कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन इन फ्री लिविंग स्टेट ऑल्सो, तो ये भी सही है। अगला है रूट नोड्यूल फॉर्मिंग नाइट्रोजन फिक्सर्स लिव एज एरोब्स अंडर फ्री लिविंग कंडीशंस, तो ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, तो पहला है पोटेशियम रेडिली मोबिलाइजेशन, सो इट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है फॉर इट्स एक्शन नाइट्रोजिनेज रिक्वायर्स हाई इनपुट ऑफ एनर्जी, तो आंसर इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैंगनीज इन ग्रीन प्लांट्स, सो इट इज़ फोटोलिसिस ऑफ वाटर, इसमें मैंगनीज और क्लोरीन भी आ सकता था इसके अंदर। नेक्स्ट नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज अमोनिया टू नाइट्रेट। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन इन रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूम्स इज, सो ये ऑक्सीजन को हटा देते हैं ताकि नाइट्रोजिनेज एंजाइम को कोई तकलीफ ना हो, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड, दैट इज ऑक्सीजन रिमूवल। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन प्लांट इज नॉट रीमोबिलाइज्ड, मतलब जो इमोबाइल एलिमेंट है उसको देखना है, तो कैल्शियम हमारे पास इमोबाइल है, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट है अ प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोंट इज फाउंड इन, सो इट इज साइकस। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फरस फ्रॉम सॉइल बाय प्लांट्स, तो इट इज ग्लोमस। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग असेंशियल फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर, तो यही सेम क्वेश्चन आ गया, मैंगनीज और क्लोरीन आएगा इसका आंसर, इसका भी थर्ड आंसर है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेंशियल मिनरल एलिमेंट फॉर प्लांट वाइल द रिमेनिंग थ्री आर, तो कैडमियम असेंशियल एलिमेंट के अंडर नहीं आता, लेकिन जो फॉस्फरस है, आयरन है, मैंगनीज है, ये असेंशियल एलिमेंट के कैटेगरी के हैं, आंसर है इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है लेग्यूमिनस प्लांट्स आर एबल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिम्बायोंट नाइट्रोजन फिक्सेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, पहला दे रखा है लेग हीमोग्लोबिन स्कैवेंजेस ऑक्सीजन एंड इज पिंकिश इन कलर, तो ये सही है ताकि नाइट्रोजिनेज एंजाइम को ऑक्सीजन ना मिले और वो एफिशिएंटली काम कर सके, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नाइट्रोजिनेज की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। अगला है नोड्यूल्स एक्ट एज साइट ऑफ फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट है द एंजाइम नाइट्रोजिनेज कैटलाइजेज द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया, ये भी सही है। नेक्स्ट है नाइट्रोजिनेज इज इनसेंसिटिव टू ऑक्सीजन, तो ये सेंसिटिव होता है, तो अभी जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये रॉन्ग दे रखी है, तो आंसर होगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट है एन एलिमेंट प्लेइंग इम्पॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, सो इट इज़ मॉलिब्डेनम एंड आयरन, तो आंसर इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है द कॉमन नाइट्रोजन फिक्सर इन पैडी फील्ड्स इज, सो इट इज एजो स्पायरेलियम। नेक्स्ट देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट, तो बोरोन, मॉलिब्डेनम और जिंक,
ये तो माइक्रो न्यूट्रिएंट है और मैग्नीशियम है मैक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी का, तो आंसर है इसका थर्ड। नेक्स्ट है वन ऑफ दी फ्री लिविंग एंड एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सर इज, सो इट इज रोडोस्पाइरिलियम। नेक्स्ट है मैंगनीज इज रिक्वायर्ड इन, सो फोटोलिसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोड्यूल्स ऑफ एलनस इज ब्रॉट अबाउट बाय, तो ये फ्रेंकिया से होगा अलनस में। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लावरिंग प्लांट विद नोड्यूल कंटेनिंग फिलामेंटस नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसका आंसर है सेकेंड, दैट इज कैसुएरिना इक्विसेटिफोलिया। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट एन असेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट ग्रोथ, तो जिंक मैंगनीज और कॉपर ये तो माइक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी के हैं, और जो कैल्शियम है मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंडर आएगा, तो आंसर है इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, पहला है एट प्रेजेंट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ग्रो मेज विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो ये पॉसिबल हो चुका है अभी, तो फर्स्ट है गलत। नेक्स्ट है एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स में लीड टू यूट्रॉफिकेशन ऑफ नियर बाई वाटर बॉडीज़, और जो यूट्रॉफिकेशन होता है इसके अंदर वाटर बॉडीज़ में न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है ताकि ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए और एक्वाटिक लाइफ डेंजर में आ जाते हैं, तो इसका आंसर है सेकेंड, ये सही दे रखा है। नेक्स्ट है अ प्लांट रिक्वायर मैग्नीशियम फॉर, सो इट इज़ फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस, आंसर इसका फोर्थ। नेक्स्ट है अबाउट 98% ऑफ द मास ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ जस्ट सिक्स एलिमेंट इंक्लूडिंग कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड, और जो कैल्शियम एंड फॉस्फरस ये दो और रिक्वायर होते हैं, तो आंसर इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है सल्फर इज़ एन इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी इन, सो इट इज़ ऑयल सीड क्रॉप्स में सल्फर का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट है द डेफिशियंसीज ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट नॉट ओनली अफेक्ट ग्रोथ ऑफ प्लांट बट ऑल्सो वाइटल फंक्शन सच एज फोटोसिंथेटिक एंड माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन फ्लो अमंग द लिस्ट गिवन बिलो विच ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट शेल अफेक्ट मोस्ट बोथ फोटोसिंथेटिक एंड माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, तो हमें इसमें वो एलिमेंट्स चूज करने हैं जो फोटोसिंथेसिस भी और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उन दोनों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो पहला दे रखा है कॉपर मैंगनीज और आयरन, ये तीनों इन्वॉल्व होंगे फोटोसिंथेसिस में भी और माइटोकॉन्ड्रिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में भी, तो आंसर इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है मैंगनीज कॉपर और कैल्शियम, तो मैंगनीज तो फोटोसिंथेसिस में रिक्वायर है और कॉपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में, लेकिन जो कैल्शियम है उसका कोई भी रोल प्ले नहीं होता इसके अंदर। नेक्स्ट है फोर्थ ऑप्शन में कैल्शियम एक्स और एन ए, इसमें देखिए जो कैल्शियम है ये इन दोनों में से किसी में भी इन्वॉल्व नहीं होगा, तो आंसर इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोटिन, तो इसमें सल्फर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ऑलमोस्ट नॉन असेंशियल फॉर प्लांट, तो जिंक कैल्शियम और मॉलिब्डेनम तो असेंशियल एलिमेंट्स के अंडर आएंगे, लेकिन जो सोडियम है वो नॉन असेंशियल है। नेक्स्ट है प्लांट टेक्स जिंक इन द फॉर्म ऑफ, सो इट इज़ Zn2 पॉजिटिव के फॉर्म में लेता है, आंसर इसका सेकेंड। नेक्स्ट है एलिमेंट नेसेसरी फॉर मिडिल लैमेला इज, सो इसमें तो कैल्शियम आपको पता है कि कैल्शियम पैक्टेट से बनता है, तो कैल्शियम एलिमेंट इसमें नेसेसरी होगा, आंसर इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है बोरोन इन ग्रीन प्लांट असिस्ट इन, तो ये शुगर ट्रांसपोर्ट के लिए काम आता है बोरोन। नेक्स्ट है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्लांट्स इज, तो कार्बन सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, आंसर इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है नेक्रोसिस इन क्रॉप इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, तो वैसे तो आपको पता ही है नेक्रोसिस के लिए कुक का मैजिक, इससे आपने याद किया था, तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट, दैट इज कैल्शियम पोटेशियम सल्फर एंड मॉलिब्डेनम। नेक्स्ट है
Which of the following is not caused by deficiency of mineral nutrition? तो जो shortening of internode है, necrosis और chlorosis, ये तो nutrient की कमी से होंगे, लेकिन जो acetylation है वो light की कमी से होते हैं। अगर कोई भी plant को dark में रखा गया है और उसको light provide नहीं की गई, तब इसमें acetylation हो जाएगा। तो आंसर इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है, व्हेन द प्लांट आर ग्रोन इन मैग्नीशियम डेफिशिएंट बट यूरिया रिच सॉइल द सिम्टम्स एक्सप्रेस्ड आर, सो इट इज़ येलोइश लीफ हो जाएंगे उस प्लांट के। नेक्स्ट है, द मेजर पोर्शन ऑफ ड्राई वेट ऑफ प्लांट कंप्राइजेस ऑफ, तो इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट है, ग्रे स्पॉट ऑफ ओट आर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, तो ये मैंगनीज की डेफिशिएंसी से होता है। नेक्स्ट है, ये चार्ट दे रखा है हमको, स्टडी द साइकिल शोन बिलो एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स करेक्ट वर्ड फॉर द ऑल फोर ब्लैंक्स ए बी सी एंड डी। तो देखिए ए क्या हो रहा है यहाँ पर, डीनाइट्रिफिकेशन, जो एटमॉस्फेरिक एन टू है उसके अंदर कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पर डीनाइट्रिफिकेशन होगा। और जो बी है, इसके अंदर अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ, तो इसको बोलेंगे हम अमोनिफिकेशन। सी है, इसमें नाइट्रेट के फॉर्म में प्लांट्स ने एब्जॉर्ब किया, तो सी होंगे प्लांट्स। और जो डी है, जो प्लांट है वो किसने कंज्यूम कर लिए, एनिमल्स ने, तो डी एनिमल्स हो जाएगा। तो देखिए ए है डीनाइट्रिफिकेशन, बी अमोनिफिकेशन, सी प्लांट और डी एनिमल्स, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। नेक्स्ट है, विच टू डिस्टिंक्ट माइक्रोबियल प्रोसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रिलीज ऑफ फिक्स्ड नाइट्रोजन एज डाइनाइट्रोजन गैस टू द एटमॉस्फेयर। तो इसमें पूछा गया है, जो फिक्स्ड नाइट्रोजन है उसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने के लिए कौन से प्रोसेस का रिक्वायरमेंट होगा। तो पहला दे रखा है एनएरोबिक अमोनिया ऑक्सीडेशन, अमोनिया के अंदर होता है NH3, ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर NH3 में से हाइड्रोजन निकाल देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, अमोनिया का ऑक्सीडेशन हुआ है और वो कन्वर्ट हो जाएगा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के अंदर। और जो दूसरा प्रोसेस दे रखा है हमको डीनाइट्रिफिकेशन, इसके अंदर नाइट्रेट से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्जन होता है, तो दोनों सही दे रखे हैं। जो फिक्स्ड नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो गए, तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, सो दीज ऑक्सीडाइजेज अमोनिया टू नाइट्रेट्स, आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। नेक्स्ट है पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल डिपेंड्स अपॉन, सो इट इज़ टेम्परेचर। नेक्स्ट है इन रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूम लेग हीमोग्लोबिन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज, तो ये ऑक्सीजन स्कैवेंजर की तरह काम करते हैं, जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी उन सबको निकाल देगा, ताकि नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम है उसको एफिशिएंटली काम करने को मिल जाए, तो आंसर इसका सेकंड। नेक्स्ट है लेग हीमोग्लोबिन इज, सो इट सेम क्वेश्चन आ गया, तो इट इज़ एन ऑक्सीजन स्कैवेंजर इन रूट नोड्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, पहला दे रखा है लेग्यूम फिक्स नाइट्रोजन ओनली थ्रू द स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया दैट लिव इन देयर रूट, तो ये सही है। नेक्स्ट है लेग्यूम्स फिक्स नाइट्रोजन इंडिपेंडेंटली ऑफ द स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया दैट लिव इन देयर रूट्स, तो ये डिपेंड करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है लेग्यूम फिक्स नाइट्रोजन ओनली थ्रू स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया दैट लिव इन देयर लीव्स, तो ये ओनली नहीं आना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि सिर्फ बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। नेक्स्ट है लेग्यूम्स आर इनकैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन, तो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन, तो करेक्ट ऑप्शन इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है एंजाइम फर्स्ट यूज्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, सो इट इज़ नाइट्रोजिनेज विच इज़ यूज्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो आंसर इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल एलिमेंट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, मॉलिब्डेनम और आयरन, इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन जो मैक्सिमम टाइम में मॉलिब्डेनम ही गिवन होता है ऑप्शन में,
तो आप इसको ही प्रेफर करिए। अगर आयरन भी दे रखा होता तो एक ऑप्शन ऐसा भी होता कि बोथ वन एंड टू, तो आप उस पर टिक लगाते। नेक्स्ट है अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग सियानोबैक्टीरियम विच कैन ऑल्सो फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद दी वाटर फर्न एजोला इज, तो ये एनाबीना होता है। नेक्स्ट है इफ़ बाय रेडिएशन ऑल नाइट्रोजनेज एंजाइम आर इनएक्टिवेटेड देन देयर विल बी नो, अगर नाइट्रोजनेज एंजाइम को ही इनएक्टिवेट कर दिया तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का फिक्सेशन किससे होता है, नाइट्रोजनेज एंजाइम ही प्रोसीड करता है ना ये प्रोसेस, इसीलिए। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट है रूट ऑफ विच प्लांट कंटेन अ रेड पिगमेंट विच हैव एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, सो इट इज सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इज परफॉर्म्ड बाय कीमो ऑटोट्रॉफिक यू बैक्टीरिया, तो जो अमोनिया है उससे कन्वर्जन होगा NO2 नेगेटिव, फिर उससे NO3 नेगेटिव के फॉर्म में, तो आंसर इसका सेकेंड। नेक्स्ट है चूज द इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू एक्टिवेटर एलिमेंट, पहला दे रखा है Fe मतलब आयरन कैटलेज के लिए एक्टिवेटर की तरह काम करेगा, मॉलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज, और जो जिंक है वो नाइट्रोजिनेज का बता रखा है लेकिन नाइट्रोजिनेज के लिए तो मॉलिब्डेनम यूज़ होगा, और जो मैग्नीशियम बता रखा है ये RuBP कार्बोक्सिलेज, ये भी सही है, तो आंसर इसका थर्ड। नेक्स्ट है अलॉन्ग विद द ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम नोड्यूल ऑफ सोयाबीन कैन एक्सपोर्ट फिक्स्ड नाइट्रोजन एज, सो इट इज़ यूराइड्स, आंसर इसका फोर्थ। नेक्स्ट है द सिम्टम रिलेटेड विद पोटेशियम डेफिशिएंसी इज और आर, तो पोटेशियम की डिफिशियंसी से इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, स्क्रॉच्ड लीफ टिप्स और नेक्रोसिस, ये सारे डेफिशियंसी सिम्टम देखे जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ, दैट इज मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है द एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो इसके लिए तो मैंगनीज का रिक्वायरमेंट होगा, और नेक्स्ट दे रखा है एंड मेंटेनिंग राइबोसोम स्ट्रक्चर, तो राइबोसोम का स्ट्रक्चर मेंटेन करता है मैग्नीशियम, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर असेंशियलिटी ऑफ अ मिनरल एलिमेंट, तो पहला ऑप्शन है एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, इट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है द रिक्वायरमेंट ऑफ एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल बाय अनदर एलिमेंट, ये भी असेंशियलिटी का क्राइटेरिया है। और थर्ड दे रखा है द एलिमेंट मस्ट बी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट, तो ये इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, तो जो थर्ड है स्टेटमेंट है ये क्राइटेरिया नहीं है, तो आंसर होगा इसका थर्ड। नेक्स्ट है फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट चूज द करेक्ट वन, फर्स्ट है सल्फर इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोटिन थायमिन एंड फेरोडॉक्सिन, लेकिन फेरोडॉक्सिन में तो आयरन का यूज़ होता है। नेक्स्ट है टॉक्सिसिटी सिम्टम ऑफ मिनरल आयन्स आर इजी टू आइडेंटिफाई, सो इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट है द इनिशियल रैपिड अपटेक ऑफ आयन इन टू द फ्री स्पेस और आउटर स्पेस ऑफ सेल्स इज सिम्प्लास्टिक एंड एक्टिव, तो ये सिम्प्लास्ट से नहीं होता, एपोप्लास्ट आना चाहिए था यहाँ पर, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इज नोन एज हाइड्रोपोनिक्स, तो ये सही है, आंसर होगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट है फॉर इट्स एक्टिविटी फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज रिक्वायर, तो इसमें मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होगी, तो आंसर होगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है मार्क द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू बोरॉन, सो इट हेल्प इन अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम आयन्स। नेक्स्ट है डेफिशियंसी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ मिनरल कॉजेज डिले इन फ्लावरिंग एंड इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, तो डिले इन फ्लावरिंग में मॉलिब्डेनम सल्फर और नाइट्रोजन होंगे, और जो इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन है उसमें नाइट्रोजन सल्फर मॉलिब्डेनम और पोटेशियम, तो इनमें देखिए कॉमन कौन से हैं, नाइट्रोजन है सल्फर है और मॉलिब्डेनम, तो आंसर थर्ड इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है
द फ्रीक्वेंटली रीमोबिलाइज्ड न्यूट्रिएंट फ्रॉम सेनेसेंट पार्ट आर, जो मोबाइल एलिमेंट्स हैं वो देखिए आप इसमें, तो देखिए कैल्शियम है, तो ये हो गया इमोबाइल, और मैग्नीशियम एंड पोटेशियम है मोबाइल, तो आंसर इसका सेकंड। नेक्स्ट है मिनरल नोन टू बी रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट फॉर प्लांट इंक्लूड, तो इसमें आपको देखना है मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन से हैं, तो पहला दे रखा है कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज एंड कॉपर, तो इसमें देखिए कैल्शियम है मैक्रोन्यूट्रिएंट का पार्ट, मैग्नीशियम भी मैक्रोन्यूट्रिएंट में, मैंगनीज और कॉपर आएंगे माइक्रो में, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा गलत। नेक्स्ट है पोटेशियम, फॉस्फरस, सेलेनियम और बोरॉन, इसमें पोटेशियम और फॉस्फरस तो आएंगे मैक्रो में, और सेलेनियम है वो असेंशियल एलिमेंट नहीं होता, और बोरॉन आएगा माइक्रोन्यूट्रिएंट में, तो ये सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया इसका। नेक्स्ट है मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन एंड जिंक, इसमें मैग्नीशियम और सल्फर हो गए मैक्रो के, और आयरन और जिंक है माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ ये रखा है फॉस्फरस, पोटेशियम, सल्फर एंड कैल्शियम, ये सारे हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट में, तो आंसर होगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, तो बोरॉन इज़ इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, क्लोरीन इज़ इन्वॉल्व इन कैटायन एंड एनायन बैलेंस में, मैंगनीज इज़ रिक्वायर्ड इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, और जो मैग्नीशियम है वो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है क्लोरोफिल का, तो ए का सेकेंड है, बी का थर्ड, सी का फोर्थ एंड डी का फर्स्ट, तो आंसर होगा इसका पहला। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, एजोला, एनाबिना, अल्फा अल्फा से राइजोबियम, ये भी सही है, एलनस, फ्रेंकिया, सेस्पेनिया, नॉस्टॉक, ये इनकरेक्ट है, तो आंसर होगा इसका थर्ड। नेक्स्ट है हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो आपने इक्वेशन तो देखी होगी एनसीईआरटी में, तो उसमें 16 एटीपी इन्वॉल्व होते हैं दो NH3 के लिए, तो एक के लिए कितना होगा 8 ATP, आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट है ग्रोइंग प्लांट इन अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, दैट इज़ रिक्वायर्स प्रिवेंशन ऑफ रिएक्शन ऑफ लाइट विद रूट्स, तो आंसर इसका फोर्थ। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ क्राइटेरिया फॉर असेंशियलिटी ऑफ मिनरल, डायरेक्ट रोल इन मेटाबॉलिज्म, रिक्वायरमेंट इज स्पेसिफिक एंड द डेफिशिएंसी कॉजेज हंगर साइंस, तो ये तीनों सही हैं, और फोर्थ दे रखा है डिस्पेंसिबल फॉर ग्रोथ, लेकिन जो एलिमेंट्स अगर असेंशियल हैं किसी भी प्लांट के लिए तो वो बहुत ही ज़रूरी होंगे, दे आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो इसका आंसर फोर्थ है। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैक्रोन्यूट्रिएंट, पहला है इट फॉर्म्स प्लांट स्ट्रक्चर, सेकेंड है यूजुअली बिकम टॉक्सिक इन एक्सेस, तो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं वो अगर थोड़ा सा भी एक्सेस में प्रेजेंट हो जाए तो वो टॉक्सिक हो जाते हैं, लेकिन मैक्रोन्यूट्रिएंट में ऐसा नहीं होता, तो आंसर इसका सेकेंड। नेक्स्ट है चूज़ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइक्रोन्यूट्रिएंट, फर्स्ट दे रखा है बिकम टॉक्सिक इन एक्सेस, देखो अभी सेम वही लाइन आ गई ना यहाँ पर। नेक्स्ट है लिटिल रोल इन प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, ये भी सही है। नेक्स्ट है नो रोल इन एंजाइम एक्टिवेशन, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि जिंक जो है वो एंजाइमेटिक एक्टिवेशन में काम आता है और वो एक माइक्रोन्यूट्रिएंट भी है, तो फर्स्ट और सेकंड सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ, दैट इज़ बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट कॉजेज डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, सो इट इज़ मॉलिब्डेनम। नेक्स्ट है मिनरल एसोसिएटेड विद रिडॉक्स रिएक्शंस आर, तो आयरन और कॉपर रिडॉक्स रिएक्शन से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट है मिनरल विच मेंटेन कैटायन एंड एनायन बैलेंस इन सेल्स आर, तो ये होते हैं क्लोरीन और पोटेशियम, तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट आर मोबाइल, सो देखिए इसमें पहला दे रखा है Fe, कैल्शियम और बोरॉन, तो इसमें कैल्शियम जो है वो इमोबाइल है। नेक्स्ट है क्लोरीन एंड पोटेशियम, तो ये मोबाइल एलिमेंट्स है, तो आंसर होगा इसका सेकंड। नेक्स्ट है विच इज़ द
विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस? तो आयरन एंड मैग्नीशियम आर रिक्वायर्ड. नेक्स्ट है, इफ क्लोरोफिल इज बर्नड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेफ्ट इन ऐश? तो इसमें मैग्नीशियम बचा रहेगा, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट. नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट अ ट्रेस एलिमेंट? इसमें हमको बताना है कि कौन सा एलिमेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, मतलब हमको क्या देखना है, माइक्रोन्यूट्रिएंट. तो मैंगनीज, मॉलिब्डेनम और कॉपर, ये तो हो गए माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर, और जो पोटेशियम है वो आता है मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर, तो आंसर है इसका फोर्थ. नेक्स्ट है, फाइंड ऑट वन विद रिस्पेक्ट टू क्रिटिकल एलिमेंट. तो नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फरस, ये हो गए मैक्रोन्यूट्रिएंट के पार्ट. क्रिटिकल एलिमेंट होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट वाले, उनको देखना होता है. तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड. नेक्स्ट है, सिलिकॉन, कोबाल्ट, सोडियम एंड सेलेनियम आर. तो ये बेनिफिशियल एलिमेंट्स होते हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, असेंशियल एलिमेंट और बेनिफिशियल एलिमेंट्स में ये अलग अलग हैं. ओके, असेंशियल एलिमेंट्स में दो कैटेगरी और बन जाती है, माइक्रो और मैक्रो की. तो इसका आंसर है अभी सेकंड. नेक्स्ट है, ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी एंड लिटिल लीफ ऑफ प्लांट आर एसोसिएटेड विद. तो ये जिंक से रिलेटेड है. नेक्स्ट है, मिनरल विच इज़ पार्ट ऑफ कोएंजाइम ए, FD, थायामीन एंड लिपोइक एसिड इज. तो इसमें सल्फर का इन्वॉल्वमेंट होगा. नेक्स्ट है, हंगर साइंस इन प्लांट्स आर. सो दीज आर डेफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स. तो आंसर इसका थर्ड. नेक्स्ट है, मॉडरेट डिक्रीज और इंक्रीज ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट कॉजेज डेफिशियंसी एंड टॉक्सिसिटी सिम्टम्स रिस्पेक्टिवली. तो ये सही है. अगला है, एक्सेस ऑफ मैंगनीज कॉजेज टॉक्सिसिटी ऑफ आयरन, कैल्शियम एंड मॉलिब्डेनम. तो यहाँ पर टॉक्सिसिटी नहीं आना चाहिए था, बल्कि ऐसा होना चाहिए था स्टेटमेंट अगर करेक्ट होता तो, एक्सेस ऑफ मैंगनीज कॉजेज डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, कैल्शियम एंड मॉलिब्डेनम, तब ये सही होता, लेकिन फिलहाल ये गलत है. सी स्टेटमेंट है, अ मैक्रोन्यूट्रिएंट इज सेड टू बी टॉक्सिक व्हेन प्रेजेंट बिलो अ क्रिटिकल कंसंट्रेशन. तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन से अगर नीचे होगा तो ये टॉक्सिक नहीं, डेफिशिएंट होगा. तो सी भी गलत है. तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है सिर्फ वह सही है, तो आंसर होगा फर्स्ट, दैट इज़ ओनली ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट है, असेंशियल एलिमेंट्स आर. तो इसमें पहला दे रखा है ओनली माइक्रोन्यूट्रिएंट, ओनली मैक्रोन्यूट्रिएंट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. तो ये सारे इन्वॉल्व होंगे असेंशियल एलिमेंट्स में, तो आंसर होगा फोर्थ, दैट इज़ बोथ मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट. नेक्स्ट है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट थ्रू द रूट्स इज जनरली, सो इट इज़ अगेंस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट एंड रिक्वायर एनर्जी. तो आंसर होगा इसका फर्स्ट. नेक्स्ट है, इनिशियल फेज ऑफ आयन अपटेक इज, सो इट इज़ पैसिव एंड एपोप्लास्टिक. तो इससे आप कंफ्यूज मत होना कि सिम्प्लास्टिक है या एपोप्लास्टिक. ओके, तो आंसर इसका फर्स्ट, तो ये सिर्फ एपोप्लास्टिक होता है. नेक्स्ट है, ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट इज, सो इट इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर डिपेंडेंट ऑन ट्रांसपिरेशन पुल थ्रू साइलम वेसल्स. तो ये सारे सही है, आंसर होगा इसका फोर्थ, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट है, रिएक्शंस दे रखी यहाँ पर, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इज कॉल्ड एंड इज़ डन बाय. तो इसको हम देखिए, जो NO3 नेगेटिव है इससे N2 मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो गया, इसको हम बोलेंगे डीनाइट्रिफिकेशन. जो फिक्स्ड नाइट्रोजन है उससे फ्री नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन. और ये किससे होंगे, स्यूडोमोनास से. जो स्यूडोमोनास बैक्टीरिया है वो इस प्रोसेस को कैरी करेगी, तो इसका आंसर होगा सेकंड. नेक्स्ट है, प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन एंड नाइट्रेट असिमिलेशन आर. तो नाइट्रिफिकेशन होता है ऑक्सीडेशन और नाइट्रेट असिमिलेशन होता है रिडक्शन. तो आंसर होगा इसका फर्स्ट. नेक्स्ट है, कन्वर्जन ऑफ इज कॉल्ड एंड इज कैटलाइज्ड बाय. तो इसे बोलते हैं हम नाइट्रेट असिमिलेशन. और जो एंजाइम्स हैं
वो इन्वॉल्व होंगे नाइट्रेट एंड नाइट्राइट रिडक्टेज। तो आंसर इसका फोर्थ। रिडक्टेज क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। देखो पहले जो है NO3, यहाँ पर ऑक्सीजन है, और लास्ट में क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन आ चुके हैं NH3 में। तो रिडक्शन हुआ तो उसके लिए रिडक्टेज एंजाइम में इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट है, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन अपटेक एंड यूजेबल फॉर्म फॉर प्लांट आर रेस्पेक्टिवली। अपटेक होता है NO3 नेगेटिव के फॉर्म में और यूज होगा अमोनिया के फॉर्म में। तो आंसर इसका थर्ड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर डाई एजोट्रॉप्स। तो राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, फ्रेंकिया, क्लेबसीलिया, एनाबिना एंड नॉस्टॉक, ये सारे डाई एजोट्रॉप्स हैं। तो आंसर है इसका फोर्थ, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट ट्रू फॉर नाइट्रोजिनेज एंजाइम इन रूट नोड्यूल इन लेग्यूम्स। पहला दे रखा है सिंथेसाइज्ड बाय निफ जीन्स ऑफ राइजोबियम, ये सही है। जो निफ जीन्स होते हैं वही सिंथेसाइज करते हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम को। नेक्स्ट है, साइट ऑफ रिडक्शन ऑफ N2 into NH3, ये भी सही है। अगला है, इट इज़ अ मोफी प्रोटीन। तो मॉलिब्डेनम और आयरन, इसके बारे में तो आपने कई बार देख लिया, अब यहाँ पर क्वेश्चन कई आ चुके हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है, रेजिस्टेंट टू ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट है, लेग हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। सो इट इज़ ग्राउंडनट। नेक्स्ट है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर रिक्वायर्ड टू फिक्स अ डाई नाइट्रोजन। देखिए सेम क्वेश्चन पहले भी आया था ना, तो इसमें आंसर होगा 8 each, 80 इलेक्ट्रॉन होंगे और 80 प्रोटॉन्स। नेक्स्ट है, साइकस एंड अजोला प्लांट्स आर एसोसिएटेड विद, सो इट इज एनेबिना। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन। पहला दे रखा है नाइट्रोजिनेज इज अ हेटरोडाइमेरिक प्रोटीन, ये भी सही है क्योंकि ये मोफ ई है, मॉलिब्डेनम और आयरन। नेक्स्ट है, रूट हेयर्स कर्ल बाय एक्शन ऑफ नाइट्रोजिनेज एंड प्लांट नॉट फैक्टर्स। लेकिन इसमें नाइट्रोजिनेज का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, लेकिन जो प्लांट नॉट फैक्टर्स हैं उसकी वजह से रूट हेयर्स कर्ल कर जाते हैं। तो बी गलत हो गया इसका। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन ATP इज प्रोवाइडेड बाय लेग्यूम प्लांट। तो सी सही है, ए सी सही है और बी गलत है। तो आंसर होगा इसका सेकंड, दैट इज ए एंड सी। नेक्स्ट है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम फाउंड इन रूट नोड्यूल इन लेग्यूम्स कंटेन। तो इसमें मॉलिब्डेनम, आयरन और सल्फर इंक्लूडेड होंगे। तो आंसर होगा इसका थर्ड। नेक्स्ट है, अमाइनो एसिड विच प्लेज अ सेंट्रल रोल इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इज और आर, सो इट इज़ ग्लूटामिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांसपोर्टेड एंड स्टोरेज फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट्स आर, सो दीज आर अमाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूराइड्स आर प्रेफर्ड फॉर्म फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ नाइट्रोजन इन, सो इट इज़ ग्लाइसिन मैक्स। तो ये क्वेश्चन हो गए आपके मिनरल न्यूट्रिशन के। सब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।